और आपने अल्लाह का वो पैगाम हमारे तक पहुंचाया और ख़ूब पहुंचाया, हत्ता कि आपने हज्जतुल वदा के मौका पर तमाम सहाबा जो वहाँ मौजूद थे उनसे पूछा था, हल बल्लगतु, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया? सब ने यक जुबा होकर कहा था, नाम बल्लगता व अद्दैता व नसहता, जी हाँ आपने पैगाम पहुँचा दिया, हक अदा कर दिया और खैर खाही सब की कर दी है। फिर आपने इस तरह उंगली का इशारा आसमान की तरफ किया और उसको नीचे की तरफ सहाबा की तरफ किया और कहा, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ खुदाया, ऐ मेरे रब, अब तू गवाह हो जा कि ये सब मान रहे हैं कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। तीन मर्तबा आपने अल्लाह ताला को गवाह बनाया और उस वक़्त ये आयत करीमा भी नाजिल हो गई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और नेमत कामिल हो चुकी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन मैंने पसंद कर लिया। उस वक़्त दीन मुकम्मल हो चुका था, उसके बाद कोई नया हुक्म या फैसला नाजिल नहीं हुआ है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त अल्लाह ताला को गवाह भी बना लेते हैं कि अल्लाह, जितना दीन तूने नाजिल किया है वो सारा ही मैंने पहुँचा दिया, अब वो सारा दीन मुकम्मल हो चुका है, उसके अंदर कमी करना भी गुनाह है और उसमें इजाफा करना भी गुनाह है। ये मुहर्रमुल हराम का आगाज हो चुका है, आज 2 तारीख शुरू हो चुकी है। मुहर्रम के अंदर बहुत सारे वाकयात सुने और सुनाए जाते हैं। सबसे पहले मुहर्रम की 2-3 बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप अक्सर गली मोहल्लों में देखेंगे कि मुहर्रम के आगाज से ही कुछ लोगों का लिबास तब्दील हो चुका होगा और स्याह रंग का लिबास शुरू हो चुका होगा। स्याह लिबास गुनाह नहीं है, जायज़ है, दुरुस्त है, इसकी ममानात नहीं, लेकिन जब ये सोच पैदा हो जाए कि ये गम का सोग का लिबास है तो ये दुरुस्त नहीं है। किसी की वफात पर 3 दिन से ज़्यादा सोग गम मनाना ये जायज़ नहीं है। हाँ, बीवी अपने खावंद की वफात पर 4 माह 10 दिन तक सोग मना सकती है, जिसको इद्दत कहा जाता है, इसके अलावा सोग मनाना ये दुरुस्त नहीं है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा हमारी वालिदा थी, उनके वालिद मोहतरम जो हमारे नाना जान लगे इस दुनिया से गए, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा, तो 3 दिन के बाद उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुछ खुशबू मंगवाई, मेहंदी वगैरह मंगवाई, सही बुखारी में हदीस है, अपने जिस्म पे लगा के कहा कि लोगों मुझे इसकी ज़रूरत ना थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, एक बेटी को वालिद का कितना गम होता है ये बेटियाँ ही समझती हैं कि उसको अपने वालिद से किस कदर मोहब्बत होती है, लेकिन इस्लाम ने, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने से मना किया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा सोग नहीं मनाऊंगी। तो ये कई सालों के बाद भी आज ये लिबास पहनना ये दुरुस्त नहीं है।
یہ غم کا خیال کرنا. کچھ دوست ہمارے غم کی وجہ سے نہیں، عام روٹین کی وجہ سے پہننے، ان سے بھی گزارش ہے کہ ان دنوں میں گریز کیا جائے، کیونکہ ایک خاص مشابہت ہو جاتی ہے. آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، دیکھنے والا ہر کوئی اسی کو سمجھے گا. اس وجہ سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اس مہینے